स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटिंग कैसे करें, इसका कनेक्शन कैसे करें, मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। वीडियो लास्ट तक देखें। जीरो लेवल से जो लोग नहीं जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड का फिटिंग कनेक्शन कैसे करते हैं, घर का वायरिंग कैसे करते हैं, पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। आज आप सबके कमेंट के अकॉर्डिंग जो आप लोग का डिमांड था कि लाइट का बिजली फिटिंग का कनेक्शन कैसे करें, घर का वायरिंग कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से सिविल साइट नॉलेज के माध्यम से मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। देखिये जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये पार्ट फर्स्ट है। ओके, देखिए जब हम लाइट कनेक्शन करते हैं तो दो चीज की जरूरत होता है, एक न्यूट्रल, एन से मैं डिनोट कर रहा हूं, एक फेस होता है, फेज होता है जिसको प्लस होता है, ये प्लस साइन के पॉजिटिव इसको फेस बोलते हैं पॉजिटिव, और इसको निगेटिव माइनस साइन, यानी प्लस और माइनस दो चीज होता है न्यूट्रल और फेस। ओके, क्या होता है कि जब हम इसका कनेक्शन करते हैं, ये बल्ब है, मान लीजिए ये बल्ब है, ओके तो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चाहिए। एक फेस होता है जो करंट पास करता है, ये जो अर्थिंग है ओके न्यूट्रल है, दोनों को अगर हम कनेक्शन करते हैं तो ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। बीच में हम आप एक स्विच लगाते हैं, तो कैसे ये सब कनेक्शन करते हैं वीडियो लास्ट तक देखें। देखिए इसमें जो जरूरत होता है, हम इसको ये जो केबल है, केबल को हम ब्लैक कलर का ये केबल है, तो ये हम न्यूट्रल को कनेक्शन मानेंगे, ये इसका जो कनेक्शन देंगे न्यूट्रल से कनेक्शन देंगे, और जो एक केबल लेंगे रेड कलर का है ना, इसमें फेज रहेगा ओके प्लस रहेगा, जिसको आप लोग बोलते हैं कि ये आपका माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इसमें करंट फ्लो होगा यानी कि फेस रहेगा और ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। एक हमें बल्ब की जरूरत होगा जो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे ओके। एक स्विच की जरूरत होगा, देखिए ये स्विच ऑन ऑफ करेंगे इसका है ना, तो ये स्विच आपका ओके। अब देखिए एक होल्डर बल्ब लगाएंगे, एक होल्डर की जरूरत होगा, और आपके पास टेस्टर है, टेस्टर और स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होगा। तो ये सब का पूरा कनेक्शन हम करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखें कैसे कनेक्शन करते हैं। आपका सॉकेट थ्री पिन सॉकेट का भी यूज करके बताएंगे आपका, तो आपको कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको यहां सिंपल बता दूं। देखिए यहां पर समझिए आप, ये मान लीजिए आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल को कनेक्शन कर देना है, फेस को फेस, ये डायरेक्ट बल्ब जल जाएगा। लेकिन सेफ्टी ऑफ व्यू से ये बल्ब तो हमेशा जब भी करंट आएगा आपको जलेगा, लेकिन सेफ्टी ऑफ व्यू से ये बल्ब को ऑन ऑफ करना होता है, तो एक स्विच लगाते हैं बीच में, जहां फेस रहता है उसी में स्विच लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लस वाला जो रहता है इसी को रेड कलर, इसी में हम स्विच लगाते हैं ओके। तो इसको ऑन ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑन ऑफ हो जाएगा। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं वन बाई वन करके। देखिए देखिए ये होल्डर लेंगे, होल्डर को क्या करेंगे, जो यहाँ पे प्लस और माइनस कोई सा भी किसी में भी हम प्लस को फेस को जोड़ सकते हैं और माइनस को भी जोड़ सकते हैं किसी में भी, तो हम क्या कर रहे हैं ये फेस को लेंगे और ये इसमें इन करेंगे, इन करने के बाद इसको स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे ओके। बहुत ही सिंपल है इसका कनेक्शन। देखिए मैं बोर्ड फिटिंग भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये आप पहला वीडियो है इसलिए मैं आपको एकदम आसानी पूर्वक इजी तरीका से बताने जा रहा हूं। देखिए अब ये होल्डर का कनेक्शन हो गया, ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब चाहे तो किसी को भी फेस बना सकते हैं, लेकिन रेड कलर को फेस में रखिए और ब्लैक कलर को न्यूट्रल में रखिए ओके। अब ये हम कनेक्शन करेंगे ये, तो आपका बल्ब जल जाएगा, लेकिन हमें एक स्विच की जरूरत होता है कि ताकि ये डायरेक्ट ना जले। ये देखिए बल्ब है, हम इस बल्ब को लगा देंगे यहाँ पे ओके। अब देखिए एक स्विच लेंगे, स्विच का जो देखिए ऑन लिखा हुआ है तो ये टॉप में रखते हैं, अगर बोर्ड में फिटिंग करना होगा तो कैसे करेंगे आपका देख लीजिए, इस तरह हम बोर्ड में फिटिंग करेंगे, ये ऑन जो है ये टॉप में होना चाहिए, तो ऐसे ऑन करेंगे तो ये ऑन यहाँ पे दिखेगा,
इसी तरह से जो बल्ब का जो कनेक्शन आता है, जो बल्ब से आएगा, हम ये टॉप वाला कनेक्शन यहां पे टॉप में इसको अच्छे से करेंगे आप। ओके, यहां लाके जोड़ देंगे। अब स्क्रू को टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर से। ओके, देखिए मैं आपको पूरा फिटिंग बताऊंगा। और ये जो आपका एक और फेस लीजिए, जो कि आपको कहां तक जाएगा, ये एक फेस लेंगे और एक फेस को इसमें कनेक्शन करेंगे। ओके, इसको टाइट करेंगे, स्क्रू को टाइट कर दीजिए। अब देखिए, अब एक बल्ब से ये स्विच आप हमारा रेडी हो चुका है कनेक्शन। अब क्या करेंगे, आपको एक देखिए ये दोनों आपका मेन हो गया। अब ये ले जाके हम कनेक्शन कर देंगे तो ये हमारा बल्ब स्विच से ऑन ऑफ हो जाएगा। ओके, इसको चलिए चेक करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कनेक्शन करने के लिए, देखिए हमारा कि ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। हम एक इस ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में एक स्विच को यूज करके मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि आपको स्विच से कनेक्शन करना है। जो फिर मैं आप रिपीट कर दूं, जो आपका होल्डर, जो ये कनेक्शन इस बल्ब से जो कनेक्शन आएगा, जो फेस आएगा रेड कलर का, इसको रखना है आपको ऑन ऑफ, जो टॉप में रखेंगे। देखिए ये ऑन है तो टॉप, तो इसका टॉप में कनेक्शन करेंगे। देखिए यहां हम ले लाकर कनेक्शन कर देंगे। ध्यान से देखिए आपका ये हम कनेक्शन यहां कर दिए। ओके, जो मेन हमारा पावर सप्लाई आएगा, जो बाहर से जो पावर सप्लाई आएगा, ये बॉटम में लाके इसको कनेक्ट करेंगे। और इसका जो न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल को न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे। देख लीजिए, ये न्यूट्रल को न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिए और टेप भी लगा दिए। सेफ्टी ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है टेप को लगाना। ओके, कभी भी ओपन मत रखिएगा। और ये देखिए जो मेन सप्लाई हमारा आ रहा है यहां से, ये जो मेन सप्लाई आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये जो मेन सप्लाई आ रहा है, इसको हम इसमें नीचे वाला में लगा दिए। और ये आपका बल्ब की तरफ से आ रहा है, होल्डर की तरफ से आ रहा है। ओके, तो इस तरह कनेक्शन। चलिए हम चेक करके आपको बताते हैं कि ये जो कनेक्शन हुआ है सही हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी हम आपको चेक करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, तो मेन हमारा सप्लाई क्या हुआ, मैं आपको ऐसे रख देता हूं बोर्ड। सेफ्टी ऑफ व्यू से बहुत ही सेफ्टी रखना आपको, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे मेन पावर सप्लाई देने जा रहा हूं। ये आपका हमारा केबल हो गया। यहां भी हम सेफ्टी के लिए टू पिन लगा दिए हैं। ये आपका टू पिन लग गया कि सेफ्टी, आपको डायरेक्ट कहीं भी कुछ काम नहीं करना है, करेंट से बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको रहना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मेन हमारा जो पावर है, देखिए हम मेन पावर यहां से ले रहे हैं। ये भी देखिए ऑन ऑफ हो जा रहा है। ये देखिए हमारा इसमें पावर है, हम इसको पहले ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद इसको हम प्लग कर देंगे। देखिए हम यहाँ प्लग कर दिए, क्लियर, ये प्लग हो चुका है। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, हमारा स्विच ऑन है, तो इसको क्या करेंगे, ऑफ कर लीजिए, पहले ऑफ कर लीजिए सब चीजें। यहां से देखिए ऑन कीजिए, देखिए ये पावर हमारा सप्लाई इधर हो चुका है, ये हमारा ऑफ है। देखिए बल्ब जल नहीं रहा है, जैसे ही ऑन करेंगे ये बल्ब को जल जाएगा। देखिए ये जल गया, तो ये कनेक्शन हमारा हो चुका है। तो ये मेरा पहला वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे सॉकेट को और स्विच को कनेक्शन करते हैं, ये मैं बताऊंगा। और फिर मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा इलेक्ट्रिक बोर्ड का फिटिंग करना बताऊंगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। ओके, सिविल साइट नॉलेज से जुड़े रहें। घर कैसे बनाते हैं मैं ये बताता हूं, और बिलिंग पार्ट, बिलिंग कैसे करते हैं, और आपका एस्टीमेट कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल मिलेगा सिविल साइट नॉलेज से। आप सबके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो लाया था। इनिशियल से मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया वैसा आपको कनेक्शन करके मैं दिखा दिया। देख लीजिए आप, इसमें पावर है, इसको ऑफ कर लीजिए यहां से, और ये देखिए पावर यहां खत्म हो चुका है। ओके, अब ऑन ऑफ करेंगे तो हमें कुछ नहीं होने वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।